हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को एंजल वन ऐप से ऑप्शंस पर ट्रेडिंग कैसे करते हैं और वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ये सारा कुछ आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ स्टॉप लॉस ऑर्डर मॉडिफाई कैसे करते हैं ये भी आज आप लोगों को मैं बताऊँगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप लोग अभी तक एंजल वन ऐप से अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराए हैं तो जाइए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करके आप लोग एंजल वन ऐप से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और यहां से अपना ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब मैं ये मान करके चलता हूं कि आप लोग एंजल वन ऐप से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा चुके हैं, अब आप लोग यहां से ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ओके, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस जैसे ही आप लोग लॉग इन करेंगे ना अपने ऐप को, आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देता है। ओके, अब मोस्टली इंडिया पे जो ट्रेडर है वो या तो निफ्टी 50 पे या तो बैंक निफ्टी पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम भी बैंक निफ्टी पे ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को सिंपल क्लिक कर देंगे। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को सिंपल क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन चैन का ऑप्शन आप लोग को दिखाई देगा, बस इसी ऑप्शन को आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आप लोगों के पास मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस, मल्टीपल प्रीमियम आप लोगों को दिखाई देगा। ये आपका स्ट्राइक प्राइस है, ये आपका प्रीमियम है, ये आपका कॉल साइड का प्रीमियम है, ये आपका पुट साइड का प्रीमियम है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप लोग कॉल साइड के प्रीमियम को बाय करेंगे, है ना, और अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो आप लोग पुट साइड के प्रीमियम को बाय करेंगे। दोनों कंडीशन पे आप लोग को बाय करना है क्योंकि हम एक ऑप्शंस बायर हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही है कॉल बाय, मार्केट नीचे गिर रही है पुट बाय। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हैं हमारा मार्केट क्या हो रहा है, हमारा मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है ना, लगभग 110 रुपये 120 रुपये का अपसाइड मोमेंट किया है, तो मार्केट ऊपर जा रही है तो हम क्या करेंगे, हम कॉल बाय करेंगे। मार्केट ऊपर जा रही है कॉल बाय, मार्केट नीचे गिर रही है पुट बाय, ठीक है। तो मार्केट अभी ऊपर जा रही है तो कॉल बाय, तो कॉल साइड के लिए अब हमारे पास मल्टीपल प्रीमियम है तो कौन सा प्रीमियम सेलेक्ट करें, तो आप अपने कैपिटल के हिसाब से प्रीमियम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं इस डीमैट पे थोड़ा सा फंड कम है इसलिए हम थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी पे जाकर के प्रीमियम सेलेक्ट करेंगे। अब ये OTM, आउट ऑफ द मनी, ATM, एट द मनी, ITM, इन द मनी, ये क्या होता है ये आपको नहीं पता तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियोज बनाया है, जाइए आप मेरा वीडियोज देखिए, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी वीडियोस हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे वीडियोस देखिए, आप लोग ट्रेडर बन जाएंगे। ओके, तो अब हम ना थोड़ा सा डीपली आउट ऑफ द मनी पे जा करके ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो हमारे पास एक प्रीमियम है, प्रीमियम है हमारा 10 रुपये 55 पैसे वाला और जिसका स्ट्राइक प्राइस है 51,300 का, 51,300 हमारा स्ट्राइक प्राइस है जिसका प्रीमियम है 10 रुपये 55 पैसे का, इसी प्रीमियम पे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो चलिए हम इसी को सिंपल क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये आप देख पा रहे हैं नीचे पे आपको बाय और सेल का ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो हम एक ऑप्शन बायर हैं तो हम सिंपल बाय के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो हमने बाय के ऑप्शन को क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये टॉप पे आपको कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे का ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ आपको सिंपल इंट्राडे के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, यहाँ आपको लॉट साइज ऐड कर देना है, यहाँ आपको मार्केट सेलेक्ट कर देना है एंड सिंपल बाय के ऑप्शन को क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो यहाँ हमने इंट्राडे सेलेक्ट कर दिया, यहाँ नंबर ऑफ लॉट्स, अभी हम चीज़ें सीख रहे हैं इसलिए हम सिंपल एक लॉट के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने एक ऐड कर दिया, यहाँ हमने मार्केट सेलेक्ट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, सिंपल प्लेस बाय ऑर्डर के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। देखिए मैंने सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है, यहाँ इंट्राडे सेलेक्ट किया, यहाँ नंबर ऑफ लॉट, यहाँ मार्केट एंड सिंपल प्लेस बाय ऑर्डर के ऑप्शंस को मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको सिंपल कन्फर्म के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है, तो ये हमने कन्फर्म के ऑप्शंस को क्लिक कर दिया एंड हमारा ऑर्डर जो है मार्केट पे प्लेस हो गया है, ठीक है। अब हम हल्का सा बैक करते हैं, एक बार और बैक करते हैं और देखिए आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा क्योंकि अब हमको अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल ये ऑर्डर के ऑप्शंस को क्लिक कर देंगे। ओके, ये हम ऑर्डर के ऑप्शंस को क्लिक कर दिए एंड ये हमारा देखिए प्रॉफिट एंड लॉस चलना शुरू हो चुका है। हमने कौन से रेंज पर एंट्री किया है, हमने 5 रुपये 60 पैसे के रेंज पर एंट्री किया है, ठीक है। और अभी इसका प्राइस चल रहा है 5 रुपये 55 पैसे का,
है ना, और 5 रुपये 65 पैसे का, इसलिए हमको कुछ प्रॉफिट यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए हम जिस रेंज पे एंट्री किए हैं ना, इस रेंज पे 5 रुपये 60 पैसे के रेंज पे, यहाँ से हमारा प्राइस बढ़ना ही चाहिए तभी हमको प्रॉफिट होगा। यहाँ से हमारा अगर प्राइस घटेगा तो हमको लॉस होगा, और हमारा लॉस बड़ा भी हो सकता है। तो इसी बड़े लॉस से बचने के लिए हम अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 रुपये के रेंज पे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देंगे। हम कौन से रेंज पे एंट्री किए हैं, 5 रुपये 60 पैसे के रेंज पे एंट्री किए हैं। अब यहाँ से प्राइस जितना ज़्यादा बढ़ेगी हमको प्रॉफिट होगा। अब प्राइस अगर घटेगी और ये 3 रुपये के रेंज पे आएगी, और 3 रुपये के रेंज पे हम अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिए रहेंगे, तो जैसे ही प्राइस आपको 3 रुपये के रेंज पे आएगा, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाएगा और आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद ये प्राइस कितना भी नीचे क्यों ना गिर जाए, आपको बिल्कुल भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, तो इस टाइप से गाइस आप लोग अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। तो चलिए हम अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देते हैं, है ना। तो ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है ना गाइस, ये इसी को आपको क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं नीचे कॉर्नर पे आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, बस इसी ऑप्शन को आपको सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आप देख पा रहे हैं ट्रिगर प्राइस, यहीं पे आपको अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, ये ट्रिगर प्राइस पे, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। तो हम क्या कह रहे थे, हम 3 रुपये के रेंज पे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने अपना 3 ऐड कर दिया, और ये आपका लिमिट प्राइस ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। अब आपको प्लेस सेल ऑर्डर के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। ठीक है, ये प्लेस सेल ऑर्डर के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है, कंफर्म के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। ये आप देख पा रहे हैं आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर मार्केट पे प्लेस हो गया है। तो इस टाइप से आप अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे, और इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा, एकदम फ्री में आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर मार्केट में प्लेस होता है। तो आपका पोजीशंस यहां चल रहा है ना, पोजीशंस आपका यहां चल रहा है, ये आप देख पा रहे हैं 1 रुपये 50 पैसे का आपको प्रॉफिट दिख रहा है, और आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर कहां लगा है, ये ऑर्डर्स पे लगा है। ठीक है, और आप अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो मॉडिफाई कैसे करते हैं, कम ज्यादा कैसे करते हैं, इसी को आपको सिंपल क्लिक करना है, और उसके बाद ये देख पा रहे हैं एडिट का ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, एडिट के ऑप्शन को क्लिक करना है, और यहां से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 रुपये पे था हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर, है ना, हम उसको 4 कर देते हैं। चलिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको 2 भी कर सकते हैं, है ना, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको अपडेट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अब देखिए आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर 4 पे प्लेस हो गया। ठीक है, आप कौन से रेंज पे एंट्री किए थे, आप देखिए 5 रुपये के रेंज पे एंट्री किए थे, अभी आपको 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस टाइप से आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, अब आपको यहां से एग्जिट होना है। लेट सपोज अब आपको ऐसा लग रहा है यार मुझे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर पे काम नहीं करना है, जो प्राइस चल रहा है ना उसी रेंज पे मुझे एग्जिट होना है, मुझे सफिशिएंट प्रॉफिट हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, वापस ऑर्डर पे जाएंगे और आपको अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल करना ही होगा। पहले आपको अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल करना ही होगा, तभी आप यहां से एग्जिट हो पाएंगे। ठीक है, तो हम ये इसी को क्लिक करेंगे और कैंसिल ऑर्डर के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे, यस के ऑप्शंस को क्लिक कर देंगे। ये देख पा रहे हैं आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब आपको पोजीशंस पे आना है, और ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है ना गाइस, ये इसी को आपको सिंपल क्लिक करना है, उसके बाद आपको एग्जिट के ऑप्शंस पे आ जाना है, उसके बाद आपको ये मार्केट क्लिक कर देना है, यहाँ मार्केट सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको एग्जिट के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है, आप यहाँ से एग्जिट हो गए, और आपको यहाँ से लगभग 1.5 रुपये का प्रॉफिट भी हो गया, 1.50 पैसे का। अब आप बोलेंगे यार इससे ज़्यादा तो आप ब्रोकरेज पे कर गए, तो मैं आप लोगों को चीज़ें सिखा रहा हूँ, है ना, मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं आप लोगों को बेसिकली चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसे आपको एंट्री करना है, ऐसे आपको एग्जिट करना है, ऐसे आप लोग को अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। ठीक है, तो आप लोग को आई थिंक समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो आप लोग ये वीडियो एक दो बार और देखिए, आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगा। ओके, और मैं इसी टाइप के वीडियोस बनाते रहता हूँ, और अगर आप लोग इस टाइप के वीडियोस देखते हैं तो हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, चलेगा इस, बाय बाय, टेक केयर, नए वीडियो पे मिलते हैं जल्दी, तब तक ले बाय।